पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में 27 दिसंबर से लापता आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या से नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया और थाने का घेराव करते हुए थाने में रखे गमले कुर्सी आदि तोड़ दिए। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र निवासी आरटीआई कार्यकर्ता कासिम सैफी 27 दिसंबर से लापता था। परिजनों ने लापता हुए कासिम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों ने लगातार पुलिस पर आरोपी को पकड़ने का दबाव बनाया। 10 दिसंबर को पुलिस ने कासिम के शव को शामली से बरामद कर लिया। शव को मुरादाबाद लाया गया। मुरादाबाद शव पहुंचते ही परिजनों का गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंच गया। तड़के सुबह परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया और थाने का घेराव किया। थाने में परिजनों ने गमले कुर्सी आदि तोड़ दिए। आनन फानन में अन्य थानों की पुलिस को कॉल किया गया, जिसके बाद एसपी सिटी भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझाया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर कार्यवाही की बात करते हुए शांत कराया। आपको बता दें कि परिजनों द्वारा पुलिस को कासिम के अपहरण में शामिल होने वाले लोगों के नाम दिए थे, जिनमें पुलिस ने कामयाबी भी हासिल की और विकास चौधरी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस ने शूटर को छोड़ दिया। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कैमरे में जब एक साथ विकास चौधरी और आरटीआई कार्यकर्ता नजर आए, तो पुलिस ने एक बार फिर शूटर विकास चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। गहनता से पूछताछ करने पर विकास ने हत्या करने की बात कबूली और निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। पुलिस के द्वारा सिर्फ शूटर को पकड़े जाने पर परिजनों ने विरोध किया और पर्दे के पीछे छिपे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नेशनल हाईवे जाम कर थाने में घेराव किया और गमले कुर्सी आदि तोड़ दिए। परिजनों ने बताया कि इस पूरे मामले में कुछ सपा नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। जब तक पुलिस पर्दे के पीछे छिपे आरोपियों को नहीं पकड़ेगी, तब तक शव को नहीं दफनाया जाएगा। साबिर हुसैन। अच्छा, क्या हुआ था? मेरे लड़के का मर्डर कर दिया, यानी दो गोली मारी। क्या हुआ था? और शामली जिले में मिला और एक उसका हत्यारा भी मिल गया है, जिसने ये खून करा है। और हत्यारे पता नहीं कहाँ हैं, क्या हैं। कब से वैसो साहब कह रहे हैं जल्दी से जल्दी मैं इसका कुछ खुलासा कर सकता हूँ। कब से लापता थे? ये 27 तारीख से लापता था। घर से अकबर के किले पे से गया था, अकबरपुर को, उसको नूरपुर को कहकर, और ये वहाँ मिला जाकर। किसी पे कोई शक रहा है क्या? शक तो मिल गया था, वो मीडिया वाले वही मोबाइल पे फोन पे मिल गए थे, तभी उन्हें हमने बताया। लोकेशन मिल गई थी, फोन नहीं मिला। तब पुलिस ने जरा सही करके टैट करा तो मिल गया एक आदमी। क्या लोकेशन रही और जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं सामने? वो वहाँ लोकेशन तो थी बहुत दूर की, हरियाणा चंडीगढ़ की, मगर धो रही वो मोबाइल तो चला गया। मार दिया जब उसको तो मोबाइल तो ले कर चला गया, रेल में गाड़ी में डाल दिया, लेटरिन में। अच्छा, और जैसे कि एक सपा के नेता पे आरोप लग रहा है जी, कौन है वो? वो नाम क्या है उसका जी? अलका ट्यूबो, अलका डीब। हाँ, अलका डीब। उनसे क्या संपर्क थे इनके? कुछ नहीं संपर्क, ये है कि वो आईटीआई वही करते थे, आईटीआई का काम। हाँ। बस किसी ने उसको लगा रखा था। अच्छा, तो आपको उन पे शक है? हाँ, पक्का शक है। क्या कोई तहरीर दी गई थी आपके द्वारा कितने लोगों के खिलाफ में आपने वो? हमने तो अभी तहरीर ही नहीं दी है किसी के खिलाफ, अभी नहीं दी है। अच्छा, एक में कोई और भी लोग शामिल? हाँ, इसमें और भी व्यक्ति हैं, उनके नाम सामने? नाम अभी नहीं देंगे, ना बताए गए हैं हमें, हैं इसमें दो चार लोग। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि कौन सी पार्टी के हैं, कौन सी पार्टी के हैं ये? समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी की नेता हैं ये, पता ना कौन सी नेता हैं। बाकी वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करती हैं। क्यों की गई होगी हत्या कुछ? हाँ, यही तो अभी इस बात को तो पुलिस करेगी, क्यों करी गई? हाँ, सूचना वूचना मांगी होगी कोई, कोई झगड़े की जगह होगी उसकी, उसके लिए तो उन्हें। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जो इसके हत्यारे हैं वो सब मुझे मिल जाए, सामने आए, खुलासा हो गई। अच्छा, एक आरोपी जो पकड़ा है पुलिस ने, क्या उससे संतुष्ट है? जो आरोपी पकड़ा है, हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल मुलजिम है, उसी ने सच्चा उसी ने मारा। मैंने बात करी है उससे,
जी हाँ, उसके पीछे गोली उसी ने मारी, गोली मारी है, दो गोली मारी है, एक कमर में मारी है, एक टांग में मारी है, और फिर बाद में गला घोटा है। जो बात हुई आपकी, क्या लग रहा है, क्या बताया, किसके कहने पर उसने ये सब किया? हाँ, ये अभी पुलिस खुलासा करेगी इसके, अभी मैं नहीं कह सकता। देखिए ऐसा सुनने में आया है कि सोता रहिए बाहर का, सही है ये विकास जो है वो वहाँ का ही रहने वाला है, घर का। थाना पाकबड़ा थाना क्षेत्र, एक व्यक्ति गायब हो गया था दिसंबर के आखिरी हफ्ते के करीब। उसके बाद गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बाद में इसको FIR में तरमीम कर दिया गया था। अब उस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। जो अभियुक्त था जो गिरफ्तार किया गया, उसी की निशानदेही पर ये जो है बॉडी वहाँ से रिकवर हुई है। अब आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। मैम कहाँ से ये बॉडी मिली थी और किस तरह से जानकारी पूरी तरह? पुलिस ने तमाम एंगल्स पे इसमें विवेचना की थी। तो इसमें जो मेन अभियुक्त था विकास, उसके ऊपर पुलिस ने कई बार जब उससे पूछताछ करी तो फाइनली उसने बताया कि उसने ही ये इस हत्या को अंजाम दिया है। उसी की निशानदेही पे शामली में इसकी बॉडी रिकवर की गई है। मैम आज जो है पावड़ा थाना पर परिजनों ने शव रखकर इल्जाम भी लगाया था, क्या आपके मामला पूरा संज्ञान में? परिजन इस मामले से काफ़ी दुखी हैं। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस इसके निष्कर्ष तक जल्दी ही पहुँचेगी। मैम क्या पुलिस ने मतलब क्या परिवारजनों ने कोई आरोप लगाया है किसी और पे भी मामला शक कर रहे हैं? बहुत सारे एंगल्स इस विवेचना में हैं, सभी के ऊपर पूरा पूरा प्रकाश पुलिस जरूर डालेगी और इसके घटना के अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। एक आखिरी सवाल मैम यह है कि इस मामले में जो है एक सपा नेत्री का नाम सामने आ रहा है, परिजन उस पर आरोप लगा रहा नाम लेकर, क्या आपके संज्ञान में है और क्या उस पर कार्रवाई? देखिए जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, बहुत सारी प्लानिंग के अंतर्गत किया गया, काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है इसका खुलासा पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन तक पुलिस पहुंच के रहेगी। शव कहां से बरामद हुआ है? शव शामली से प्राप्त हुआ है। कैमरा के अंदर चिड़ी, कैमरा के अंदर भी आरोपी पकड़ा गया, सपा का भी नेता दिखाई दे। बहुत सारे एंगल्स इसमें हैं। देखिए मेन बात यह है कि एक हत्या हुई है, हत्या के एक दोषी को ऑलरेडी जेल भेज दिया गया है। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको जल्दी ही जेल भेजा जाएगा।